सीरियस शादी मुबारक में आप देखेंगे कि प्रियंका पूरी तरह से तरुण के प्यार के जाल में, नकली प्यार के जाल में फंस गई है। तरुण तो ये सब कुछ अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए वो कॉम्पिटिशन, वो जो उसने 25 दिन का टाइम दिया है वो न जीत पाए इसलिए कर रहा है, लेकिन प्रियंका को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन आज प्रियंका की चोरी पकड़ी जाएगी। दरअसल क्या होगा, यहाँ पर जूही जो उसकी भाभी है प्रियंका के कमरे में जाएगी एक पार्सल देने, और यहाँ पर वो रिंग देखेगी जो तरुण ने प्रियंका को दी है, और उसे पता है कि ये रिंग बहुत महंगी है। उसे समझ में नहीं आता कि प्रियंका की तो अभी जॉब लगी है, उसे सैलरी भी नहीं मिली और ना ही इतने पैसे माँ जी देके गई हैं, तो फिर इतनी महंगी अंगूठी आई कहाँ से। वो प्रियंका से पूछने की कोशिश करती है, प्रियंका घबरा जाती है। यहाँ पर जूही को शक होता है प्रियंका पर प्रियंका यहाँ बात को टाल देती है और कहती है मेरे होने वाले फियांसे ने मुझे ये रिंग दी है। यहाँ पर जूही को ये बात की खुशी तो होती है कि चलो प्रियंका इन्वॉल्व हो रही है, उससे बात कर रही है, डेट शेट कर रही है, लेकिन जल्द ही इस राज से पर्दा उठेगा कि ये अंगूठी उसने नहीं दी है। अब जूही को ये शक हो जाएगा कि आखिर प्रियंका को ये महंगी अंगूठी दी किसने, कहीं प्रियंका किसी गलत काम में तो नहीं फंस गई है, और प्रियंका के नाखून मिले थे, जो उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि कहीं ये सब कुछ प्रियंका तो नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे केटी और प्रीति अपने नए काम को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, उन्हें फिर से एक काम का ऑफर मिलता है, वो वहाँ मिलने जाते हैं, लेकिन चूंकि प्रीति का रंग डार्क है, वो काली है, इस वजह से जो क्लाइंट होती है वो प्रीति की बहुत बेइज्जती करती है। प्रीति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में उस क्लाइंट को लगता है कि कहीं प्रीति उन पर पलट के वार ना कर दे, कुछ सोशल मीडिया पर ना डाल दे कि ये मेरे कलर को लेकर मुझे काम नहीं दे रही है, तो बहुत बवाल हो जाएगा। ऐसे में वो प्रीति से एक डील करती है कि मैं केटी की वजह से ये काम आपको दूंगी, अपने बेटे की इतनी बड़ी वेडिंग का काम आपको दूंगी, लेकिन पूरी वेडिंग में आप कहीं भी सामने नजर नहीं आनी चाहिए, ये बात आप केटी को बता देंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि केटी को जैसे ही ये बात पता चलेगी वो खुद इस काम को लेने से मना कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि प्रीति पार्टनर है और ऐसे में वो दोनों साथ काम करेंगे। वो इस काम को लेने का मतलब प्रीति की बेइज्जती समझेगा और केटी इस काम को नहीं लेगा। वैसे शो की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि जूही को प्रियंका पर शक होगा और जल्द ही उसे इस बात का पता चलेगा कि माँ के वो सारे डॉक्यूमेंट भेजने के पीछे, चंदा मैम को भेजने के पीछे प्रियंका का हाथ था।